sand in your feet, feel the breeze in the summertime, stars in the sky. तो दोस्तों देख रहे हैं, मैं इस समय हूँ IGI एयरपोर्ट पे और मैं यहाँ से जा रहा हूँ जो है सफ़र चालू हो गया है और मैं इस समय हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। आप देख सकते हैं ये यहाँ का ग्राउंड है और वहाँ पे 56 नंबर जो काउंटर है वहाँ से मेरी फ़्लाइट है ओमान के लिए, यानी मैं यहाँ से जा रहा हूँ ओमान। पहले मेरी फ़्लाइट दिल्ली से 2:20 से चलेगी विस्तारा की और मुंबई पहुँचेगी 4:20 पे। उसके बाद में 8:20 से फिर वहाँ से मुंबई से उड़ान भरेगी और ओमान पहुँचेगी रात के 9:55 पे। तो यानी मेरा 4 घंटे ले ओवर मुंबई। तो दोस्तों इस बार मैंने जो ट्रिप चूज किया है वो मल्टीपल ट्रिप है जिसमें 5 कंट्री है। पहला है जो है ओमान दिल्ली से, दूसरा है ओमान से अबू धाबी, अबू धाबी से है जॉर्डन, जॉर्डन से है इसराइल और इसराइल से है इजिप्ट, वहाँ से फिर हम दिल्ली वापस आ जाएंगे। मैंने लगभग ये 27 दिन का प्लान बनाया है, सारा जो है फ़्लाइट के थ्रू किया है, मैंने कोई भी रोड ट्रिप नहीं किया हूँ। कैसे जो है एक साथ मुझे 5 कंट्री का वीज़ा मिला उसका वीडियो मैं आपको जब ओमान पहुँच जाऊँगा आज रात में या कल सुबह, तो मैं उसका वीडियो पूरा डिटेल बना रहा हूँ, उसको आप चेक करिएगा कि मैंने कैसे एक साथ 3 कंट्री का स्टिकर वीज़ा लिया और 2 कंट्री का ई वीज़ा लिया और कहाँ पे मैंने स्टे। अपना नकाब ठीक से पहन ले। इस विमान में 8 आपातकालीन निकास हैं। विमान के पिछले भाग में 2 द्वार। यार एक चीज़ यहाँ पे ना बहुत अजीब सा लगा, जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ते हैं और आप आते हैं मुंबई और मुंबई से उसी विस्तारा की दूसरी फ्लाइट आप अगर लेते हैं ओमान के लिए, तो आपको यहाँ पे फिर से जो है सिक्योरिटी चेक को करवाना पड़ेगा क्लियर और फिर से आपका टोटल इमिग्रेशन वाली प्रक्रिया होती है वो होता है। ये तो बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि एक बार आप किसी तरह सामान को मैनेज करते हैं और फिर उसी सामान को आप यहाँ पे आते हैं, फिर बड़ी मुसीबत से लाइन लगते हैं, फिर आपको इमिग्रेशन करना पड़ता है। तो मैंने जब पूछा कि ऐसा क्यों है तो वो बोले कि वो आप डोमेस्टिक से अब इंटरनेशनल में जा रहे हो इसलिए है। अब मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो गया। इमिग्रेशन में उन्होंने इतना पूछा कि आप तो क्यों जा रहे हो, मैंने बताया, बोले टिकट है रिटर्न का, मैंने बोला उससे के आगे मुझे जाना है, फिर उन्होंने कुछ पूछा नहीं और स्टैम्प मार दिया। अब ये ड्यूटी फ्री एरिया है। वहाँ से मुझे जो है फ़्लाइट लेनी है मस्कट के लिए, लेकिन अभी टाइम है लगभग 3 घंटे जितना या 7:30 इन्होंने बोर्डिंग टाइम रखा हुआ है, फ़्लाइट जाएगी लगभग 8:20 पे। एक चीज़ है, मैंने मील नहीं बुक किया था लेकिन इन्होंने कम्प्लीमेंट्री दिया, वेज और नॉन वेज दोनों का ऑप्शन था तो आप कुछ भी ले सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। मैं पहुंच गया हूं ओमान में मस्कट एयरपोर्ट पे और मेरा इमिग्रेशन हो गया।
इमिग्रेशन में कुछ ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए, बस इतना पूछे कि टूरिज्म पे आए हो, किस में आए। ये है ओमान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट मस्कट, और यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया है। यहाँ पे लोग अपना सामान ले रहे हैं, और मुझे अब जो है, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं देखता हूँ कि ये क्या रेट चल रहा है। आप भी जब भी आए यहाँ पे तो पैसे कोशिश करें कि बाहर साइड में कराएं एक्सचेंज, क्योंकि मैंने इंडिया में अभी एक्सचेंज करा रहा था एयरपोर्ट पे, तो मुझसे 240 और 250 का रेट मांग रहे हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे सेल्फी के लिए बना हुआ है आई एम हियर, और यहाँ पे लिखा है MCT इंटरनेशनल एयरपोर्ट। MCT आपको भी पता है क्या है, मस्कट का शॉर्ट फॉर्म है, और ये आउटसाइड का एरिया है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखता हूँ सिम का क्या रेट लेते हैं और पैसे एक्सचेंज कराने का। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सिम कार्ड? 2 रियल सिम कार्ड, यू गेट 1.5 GB इंटरनेट, 25 मिनट कॉल ओमान, 25 मिनट कॉल इंडिया। $2 ₹500। ओके, एंड वेयर कैन आई एक्सचेंज मनी? बैक साइड यू कैन चेंज ऑल्सो, यू पे मी ₹500, नो प्रॉब्लम। ये है करेंसी एक्सचेंज। भाई उनसे सिम के लिए बोला तो बोले आप मुझे 2 रियाल दीजिए, यानी लगभग ₹500, और आप जो है सिम ले सकते हो जिसमें 1.5 GB डेटा मिलेगा, और 50 मिनट लोकल कॉल कर सकते हो, और 50 मिनट जो है इंडिया में कर सकते हो। तो मैंने अभी लिया नहीं, पहले मैंने एक्सचेंज कराऊंगा। अब मैं आपको देखिए असली खेला दिखा रहा हूँ इन लोगों का। यहाँ पे इंडिया में था ₹240 का 1 रियाल, ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने ₹5,000 दिया, इन्होंने मुझे दिया 19.10 रियाल। अब जबकि मेरे हिसाब से हो रहा था, यहाँ पे देखिए हुआ है 22.294 होता है, लेकिन इन्होंने 3 रियाल लगभग ₹1,000 इन्होंने कमीशन काट लिया। तो ये है भाई, यहाँ पे लूट मची है। और इंडियन मनी की बात करें तो यहाँ तो पूरे उसका हवा ही निकल गया, 5,000 का 19 रियाल मिला, सोचिए क्या वैल्यू है। अगर आप मस्कत आते हो तो यहाँ पे जो है लिफ्ट थी, लिफ्ट से आप आ जाओ 0 पे और सामने जो है बस मिलती है। तो किसी ने बताया कि अगर आपको मस्कट जाना है आप यहाँ से बस लीजिए, वो हाफ रियाल जितना जो है आपको रूही पहुँचा देगी, रूही से आप टैक्सी ले लीजिए। अब आप समझिए, यहाँ पे उन्होंने मुझसे मांगा मेरे होटल 30 किलोमीटर का, इंडियन मनी लगभग ₹4,000, आप सोचिए। अब यहाँ पे आ गए, बोले भाई टैक्सी ले लो, अब बस से मत जाओ, क्या लूट है। बहुत परेशानियों का सामना हो रहा है यहाँ का, बस देखिए ऐसे है। रूई बाय मस्कट यहाँ पे, मैंने जो है देखिए ये रसीद लिया 500, मतलब हाफ 500 OMR लिखा है ना, 0.5, तो यानी 500 OMR पे रूही तक जाऊंगा, रूही के बाद में मुझे वहां से टैक्सी लेनी पड़ेगी, और फिर वहां से मैं अपने एरिया में जाऊंगा। बहुत पैसा मांग रहे थे इधर, तो मैंने रूही तक बस ले लिया। देखिए ये बस का सीन है, अंदर ऐसे होता है, वहाँ ड्राइवर टिकट खुद काट देगा। ये एयरपोर्ट का एरिया है, तो अभी आप देख रहे हैं मैं जो है एयरपोर्ट से बस लिया, और बस में मैंने आया जो है रूई से मैंने फिर वहाँ से एक
एक रियाल में लगभग 250 रुपये में टैक्सी लिया और अपने होटल में आया। होटल कैसा आप देख लो। ऐसा है, अब मैंने टू नाइट का दिया है इसमें 24 दिरहम, लगभग 6000 रुपये। ठीक है, तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ। आपको कल ये वीडियो में डिटेल बताऊँगा कि कैसे जो है घूम सकते हैं यहाँ पे, और मेरा आने आने में कितना एक्सपेंस हुआ वो बताऊँगा, और आपको ओमान आना चाहिए कि नहीं उसके बारे में। ठीक है, अभी तो मैं बहुत थक गया हूँ, अभी रेस्ट करूँगा, फिर कल बताते हैं आपको।